और अगली बड़ी खबर रायबरेली से है। यहाँ आदित्य हत्याकांड का आरोपी के बिगड़े बोल। सोमू ढाबे पर एक्शन के बाद पूर्व प्रत्याशी आरपी यादव पर धमकी देने का आरोप। आरपी यादव ने कहा कि उनकी सरकार आने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहे। सत्ता में हमेशा भाजपा की सरकार नहीं रहेगी, सरकार बदलने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सोमू यादव बहुचर्चित आदित्य हत्याकांड का आरोपी है। ढाबे पर कार्रवाई के बाद सपा प्रतिनिधि मंडल आरपी यादव से मिलने गया था। इसी दौरान उसने विवादित टिप्पणी भी की और धमकी भी दी। ये ठीक नहीं है लोकतंत्र में, और यहाँ के काफी लोग लगे हैं, उनको ये लगता है कि परमानेंट उनकी ही सरकार चलेगी। वो लोग भी समझ रहे हैं कि जिस तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं, दूसरा भी बिहेवियर करने के लिए मजबूर हो जाएगा। जब सरकार बदलेगी तो सबको जो जैसा कर रहा है उसको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो, चाहे हम हो चाहे कोई दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। उत्तराखंड में मदरसों में अभियान को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। मदरसों में शिक्षा के साथ अन्य गतिविधियों का भी सर्वे होगा, ये कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। मदरसों के सर्वे तेजी से कराने के लिए पुलिस को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बड़ी खबर, उत्तराखंड में मदरसों में अभियान को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया है। सर्वे तेजी से कराने के लिए पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है। मदरसों का जो वहाँ पर स्कूली शिक्षा की जगह कई अन्य चीजें भी जो होती हैं, उसके लिए हमने कहा था कि हम उसका सर्वे करेंगे, पुलिस विभाग उसको आगे बढ़ाएगा। वह भी कहीं थोड़ा और तेजी से चलाने की जरूरत है, और जो तमाम प्रकार की ऐसी पॉपुलेशन है जो हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में आकर बस जा रही है, वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि कैसे हम उस पर रोक लगाएं, कैसे उस पर सख्ती करें कि कोई भी अनवांटेड जो अवांछित तत्व है वो उत्तराखंड के अंदर ना आ पाए। इधर मिशन रोजगार के तहत आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे सीएम धामी। प्रदेश के करीब 664 सीएचओ को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। दोपहर 1 बजे सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम का आयोजन होगा। बिल्कुल, इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह नेगी भी मौजूद रहेंगे। 664 सीएचओ को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। दोपहर 1 बजे सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम का आयोजन होगा और सीएम धामी 664 सीएचओ को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ये नियुक्ति पत्र मिलेंगे। और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव की। उत्तराखंड में 7 छात्र संघ चुनाव को लेकर कॉलेजों में प्रचार का आज आखिरी दिन है। पूरे दमखम के साथ आज प्रचार में उतरेंगे छात्र संगठन। 24 दिसंबर को उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव है और आज प्रचार का आखिरी दिन है, तो आज थम जाएगा छात्र संघ चुनाव प्रचार का शोर। कॉलेजों में छात्र संगठन के नेता प्रचार में जुटेंगे। बिल्कुल, कॉलेज में आज जो प्रचार का शोर है वो थम जाएगा। आज पूरा दमखम छात्र नेताओं की तरफ से लगाया जाएगा और अपनी अपनी जीत का दावा सभी छात्र संगठनों की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन आज प्रचार का आखिरी दिन और कल इसके लिए मतदान होगा। 2 साल के इंतजार के बाद छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं और इसलिए छात्रों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।